ठीक है, तो इस वीडियो में हम रिएक्ट जेएस स्टार्ट करेंगे। ये हमारी रिएक्ट जेएस का पहला ट्यूटोरियल है। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम इसमें रिएक्ट जेएस के बेसिकली व्हाट, हाउ एंड व्हाई इसको कवर करेंगे कि रिएक्ट जेएस बेसिकली क्या है, क्यों है और कैसे है, हम क्यों यूज़ करते हैं और इतनी ज़्यादा फेमस है, क्या हमें सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, क्या इसके प्रीरिक्विजिट्स हैं। ठीक है जी, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्ट बेसिकली एक फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है जो कि बेसिकली हमारे वेब एप्लीकेशंस की फ्रंट एंड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं रिएक्ट को। ठीक है जी, और इसके प्रीरिक्विजिट्स भी हैं। आपने अगर HTML, CSS, JavaScript पे थोड़ा बहुत काम किया हुआ है सो इट इज़ वेल एंड गुड। एंड एक्चुअली ये ज़रूरी भी है कि आपको थोड़ा सा HTML, CSS, JavaScript पे आपने काम किया हुआ हो, आपने वेब पेजेस बनाए हुए हों, स्टाइलिंग वगैरह की भी हो, क्लासेस वगैरह का आपको आइडिया है, आईडी का आइडिया, क्लास आईडी लगाने का आइडिया है, और आपको डॉम के साथ थोड़ा बहुत आपने गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह यूज़ की हुई है, जिससे आपको आइडिया हो कि वेब कैसे वर्क करती है, वेब की फ्रंट एंड कैसे वर्क करती है, जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है। तो फिर आ जाती है रिएक्ट। तो फिर अब हम अगर वेबसाइट्स, वैसे एक और चीज़ तो यही है कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इन तीन चीज़ों को मिलाकर वेबसाइट बनती है, एंड दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। ठीक है जी, इन तीन चीज़ के अलावा ये तीन चीज़ें आपके ब्राउजर पर नेटिवली सपोर्टेड होती हैं, ये तीन चीज़ें आपके ब्राउजर पर चलती हैं। अब रिएक्ट जेस क्या है? रिएक्ट जेस ये है कि उससे भी हम फ्रंट एंड ही बना रहे हैं वेब का, तो उसमें होता ये है कि हमारे लिए थोड़ा सा हमारे लिए काम आसान करती है इन टर्म्स ऑफ, अगर हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल सी एस एस की एग्जाम्पल ले लें, हमारा सी एस एस का बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है और बूटस्ट्रैप की अब एग्जाम्पल ले लें तो बूटस्ट्रैप में हमें बनी बनी क्लासेस मिल जाती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता, हम क्लास का नाम लिखते हैं ऑलरेडी, बूटस्ट्रैप की क्लास, बूटस्ट्रैप की जो हमने इंपोर्ट वगैरह कराई हुई है लाइब्रेरीज वो खुद लेकर आ जाती हैं। इसी तरीके से रिएक्ट जेएस भी है। रिएक्ट जेएस में हमारा रिपीटेशन, हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, रिपीटेशन वाले काम का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। हम अलग अलग फाइल्स में आपने देखा होगा कि हम अगर एक वेब पेज बना रहे होते हैं, वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो उसमें अगर हेडर, नेव बार है और फुटर है वो सेम रहता है, और हर पेज में हम जाकर अगर अपने कॉमन HTML की फाइल बनाई हुई है, कोर HTML, CSS की फाइल बनाई हुई, तो आप सब में कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, रिपीट और रिपीटेशन हो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। और एज कम्पेयर टू अदर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स, एंगुलर और व्यू से इसे कंपेयर किया जाता है, उन सब में ज़्यादा आर्गुएबली इसमें ज़्यादा ये विनर रहता है और ये फास्टर इसकी परफॉर्मेंस रहती है यूआई को रेंडर करने में। ठीक है जी, सो बेसिकली हमारा ये है कि हम HTML, CSS, JavaScript से आप बनाए हैं, आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप लंबे 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 कोड्स हो जाएंगे, आपके इतनी ज़्यादा फाइल्स हो जाएंगी, डिफिकल्ट टू मैनेज हो जाएगा कोड, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है रिएक्ट जेएस। ठीक है जी, वेरी फेमस राइट नाउ, वेरी हॉट टेक्नोलॉजी, हैव बीन रिसेंटली इन अ वेरी हाई ट्रेंड एंड वेरी हाई, इट हैज गॉट अ ह्यूज हाइप एंड इट हैज वेरिडली गॉट दिस हाइप, इट डिजर्व्स दिस हाइप, एंड ये एक्चुअली इसकी अभी भी खत्म नहीं हुई है वर्थ, इसकी वर्थ ग्रो ही कर रही है और आने वाले फ्यूचर में भी इवेंचुअली ग्रो ही करेगी। अगर आप इवन इनफैक्ट एंगुलर व्यू से भी ज्यादा आप रिएक्ट सीखें तो ये ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है। फेसबुक का अपना ये बनाई हुई है, फेसबुक बैक है। ठीक है जी, अच्छा ये मुझे टाइम का मीटिंग का भी ये कह रहा है, मैं मीटिंग पहले से स्टार्ट करी हुई थी तो मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट करूँगा, 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो ठीक है। अच्छा तो बेसिकली अब हमारे पास ये हमने देख लिया भाई कि रिएक्ट जेएस क्या है और रिएक्ट जेएस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम दूसरे फ्रेमवर्क एंगुलर हो गए, व्यू हो गए, इनके कंपैरेटिवली हमारे पास ये एक अच्छा ऑल्टरनेट है। आप उनके सीखने से पहले आप ये सीख लें, अगर आपने HTML, CSS, JavaScript पढ़ ली है, एक दो प्रोजेक्ट्स आपने बना लिए हैं यूआई के, बूटस्ट्रैप के और HTML, CSS, तो आप इसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको जावास्क्रिप्ट पे आपने काम किया हुआ हो, ठीक है जी, क्योंकि HTML, CSS बहुत बेसिक्स होती हैं, आपने थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट पे भी काम किया हुआ हो, आपको लॉजिक बिल्डिंग आती हो, फॉर इफ अगर आता होगा, आप उससे गुजर चुके हैं, व्हाइल लूप से गुजर चुके हैं, एरर्स को फेस कर चुके हैं, रिजॉल्व कर चुके हैं, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी है, आप जावास्क्रिप्ट डरते नहीं है, तब आप रिएक्ट की तरफ आ जाइए, क्योंकि थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है टू बी ऑनेस्ट HTML, CSS से, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली है इसमें आपको, ये डेक्लेरेटिव है, इसको डेक्लेरेटिव कहते हैं क्योंकि काफी सारी चीजें आप लिख रहे होते हैं और सब पड़ा होता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो मतलब रिएक्ट के काफी सारी ऐसी चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी, आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, बेसिकली हजम करनी पड़ेंगी, रटे वाली चीज नहीं मैं कह रहा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आएंगे तो डिफिकल्ट लेवल के, HTML, CSS की तरह बेसिक्स नहीं होंगे, जावास्क्रिप्ट अगर आपने काम किया तो यू विल बी गुड, यू विल बी गुड टू गो, यू विल बी कंफर्टेबल विद दैट, एजेक्स वगैरह पे आपने काम किया हुआ है सो यू विल बी गुड टू गो। अच्छा, फिर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक पैकेज चाहिए होता है, हम लिख देंगे जी नोड इंस्टॉल, आप लिखेंगे नोड इंस्टॉल और इसके बाद आप चले जाएंगे
ये मैंने एक एक्सटेंशन की भी है, ब्लैक टूल्स जो आ रहे होते हैं उसको इग्नोर करते हैं, नीचे आ जाएं, गैपर की एक्सटेंशन है डेवलपर्स के लिए होती है, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर लीजिएगा इसे, आप चले जाएंगे इस लिंक पे डाउनलोड मोड जेएस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना आप यहाँ पे सारी आपके पास बाइनरीज फाइल आ रही है नोड जेएस इंस्टॉल करने के लिए, बेसिकली अब तो ये अगर आप मोस्ट लाइकली आप विंडोज पे अगर यूजर ज्यादातर होते हैं विंडोज के, तो आप ये विंडोज का इंस्टॉलर यूज कर लेंगे 32 बिट या 64 बिट, इसको बेसिकली आप इंस्टॉल करेंगे, आपका 64 बिट सिस्टम होगा, 32 बिट तो ये कर लीजिए अगर आप विंडोज के ऊपर। इसके अलावा अगर आप मैक के ऊपर हैं तो उनके लिए भी ये पैकेजेस मौजूद हैं, आप इसका 64 बिट कर लें मैक का, और अगर आप लिनक्स के हैं तो आप लिनक्स का कर लें, ठीक है जी। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, मोस्ट लाइकली आप ये कर लेंगे, ठीक है। मैं मैक पे हूँ तो मैं 64 बिट वाला पैकेज चूज कर लूंगा और इसको इंस्टॉल कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद जब ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा तो मैं इसको सेट करके सॉफ्टवेयर में सेव कर लूंगा, और फिर उसको मैं बस नेक्स्ट 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 करके विंडोज में हूँ आप मैक में हूँ, सिंपल है मेथड, अब नेक्स्ट 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 करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये नॉर्मल पैकेज इंस्टॉल कोई भी सॉफ्टवेयर जिससे आप इंस्टॉल करते हैं, कोई नो नो रॉकेट साइंस, वो आप खुद कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ओपन कर लेना है अपनी कमांड लाइन, आप ओपन कर लें, या यहाँ पे अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो मैक में हमारे पास होता है टर्मिनल, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक फोल्डर बना लेता हूँ ट्यूटोरियल का, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है ये पहला हमारा फोल्डर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये बिल्कुल आप समझ लें कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है, पावर शेल होता है, वो कमांड आप यहाँ पे चला सकते हैं। अगर आपका वो नोड नेक्स्ट नेक्स्ट आपने इंस्टॉल कर लिया है उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिएगा, उसके बाद आप एक कमांड चलाएंगे नोड डैश वी, ठीक है। आपने नोड का वर्जन चेक करना है, आपके पास नोड आ गई है, मेरे पास 14.17.6 हुई भी है, आपके पास थोड़ा डिफरेंट होगा, अपडेट होगा, अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं मोस्ट लाइकली, बट बिकली थोड़ा बहुत वर्जन का डिफरेंट हो तो मसला नहीं। तीसरा दूसरा बात आपने चेक करना है एनपीएम का वर्जन, एनपीएम डैश वी उसका वर्जन आ गया। तीसरा आपने जो पैकेज चेक करना है वो है एनपीएक्स डैश वी उसका वर्जन आ गया, तीन आपके पास आ जाएंगे, फिर ये तीनों कमांड आ रही होंगी, ऐसा नहीं होगा कमांड नॉट फाउंड कह रहे ना आ रही होंगे, कमांड नॉट फाउंड कह रहे मतलब आपकी डाउनलोड आपने अभी तक आपको नोट वगैरह सॉल्व नहीं किया सही से या किया ही नहीं, तो आप वो कर लें, ठीक है। तो वो हो गया तो आपको ये कमांड्स ये तीनों के रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है जी, आप एक आप पीएस कोड में फोल्डर ओपन कर लें, ठीक है। अब हम अपनी पहली एप्लीकेशन रिएक्ट की पहली एप्लीकेशन हम बनाएंगे, ठीक है जी, बनाने की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। ये हम आ गए पीएस कोड में, मैंने अभी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जो मैंने बनाया है जी, टेम्प में रिएक्ट ट्यूटोरियल में ट्यूटोरियल 1, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अब हमने पहले अच्छा दो तो तीन पैकेज मैंने आपको चेक कराए बताया, मैंने एनपीएम बताया, नोड बताया और एनबीएक्स बताया, केएम के वर्जन आप चेक कर लें, अगर आपने नोड का पैकेज इंस्टॉल कर लिया है तो वो तीनों वर्जन आपको मैं बता रहा होगा, ठीक है। तो अच्छा अब वो तीनों चीज़ें होती क्या हैं एक एक करके आप डिस्कस करेंगे, मैं इस वीडियो को जरा बंद कर देता हूँ, जूम की मीटिंग को दोबारा वीडियो स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। ठीक है अच्छा ये दूसरी मीटिंग हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है इग्नोर दैट। अब हम ये करेंगे कि हम डिस्कस कर रहे थे, हमें बताना है जी कि हमने जो तीन कमांड हमने चलाई थी नोड डैश वी और एनपीएम डैश वी, तो वो कमांड हमारी क्या करती हैं, हम दोबारा से चला लेते हैं, ठीक है। नोड डैश वी, ठीक है। नोड का वर्जन आ रहा है मेरा 14.20.6। नोड बेसिकली आपके एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए यूज होता है, ये बेसिकली वही इन्वायरमेंट है जो सबसे पावरफुल चीज़ है जो कि आपके नोड जेएस का आपने सुना होगा, वो भी उसके लिए भी हम इसी को यूज़ करते हैं। अच्छा बाय द वे नोड जेएस हमने जो इंस्टॉल किया है ये ना सिर्फ रिएक्ट के लिए हमें चाहिए, ये नोड अगर आप नोड जेएस पे काम करेंगे बैकएंड एप्लीकेशंस के लिए तब भी आप इंस्टॉल करेंगे, उसके साथ साथ आप अगर एंगुलर जेएस सीख रहे हैं तब भी आप इंस्टॉल करेंगे, उसके अलावा व्यू सीख रहे हैं तब भी आप इंस्टॉल करेंगे, एडवांस रिएक्ट जैसे जो फ्रेमवर्क्स हैं उन सब के लिए आपको ये नोड का पैकेज करना पड़ेगा, और उससे आपको तीन पैकेजेस मिलते हैं, कौन कौन से, नोड, एनपीएम और एनपीएक्स। नोड का कुछ समझ में आ गया, सर्वर रन करने के लिए काम करता है, बैकएंड एप्लीकेशंस को चलाने वगैरह के लिए भी काम करता है, फ्रंट एंड को सर्व करने के लिए भी काम करता है, कैसे करेगा भी हम यूज करेंगे उसको आप देखेंगे उसके साथ। अच्छा उसके बाद एनपीएम डैश वी, ज्यादातर नोड बैकएंड एप्लीकेशंस के लिए आप कह सकते हैं यूज करता है, और एनपीएम डैश वी, एनपीएम क्या करता है, ये बेसिकली ये एक वर्जन मैनेजर है,
नोड पैकेज मैनेजर है, सॉरी नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है, अगर आपने पाइथन में काम किया है तो आपने पिप यूज किया होगा, ठीक है। पिप से आप पैकेज इंस्टॉल करते थे, ठीक है। वो पिप जो होता है वो उसका पैकेज मैनेजर होता है। अगर आपने पाइथन पे काम नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल पीएचपी पे अगर आपने काम किया है, तो कंपोजर उसमें एक होता है, आप उसके कंपोजर के थ्रू आप पीएचपी के पैकेजेस इंस्टॉल करते होते हैं, ठीक है। तो ये भी उसका एक पैकेज मैनेजर। अगर आपने दोनों पे काम नहीं किया हुआ, जनरली आप फर्स्ट टाइम नोट्स पे आए हैं आप रिएक्ट के ऊपर, तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं कि पैकेज मैनेजर ये होता है कि आप एक एप्लीकेशन रिएक्ट के साथ ना कुछ मिनिमम कंपोनेंट्स, मिनिमम चीजें आप यूज कर सकते हैं, मिनिमम फीचर्स। अगर आपको उसकी पावर को बढ़ाना है, आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो वो जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जब आप करेंगे, एक्सटर्नल पैकेजेस आपको चाहिए होते हैं, तो आप एनपीएम यूज करते हैं। लाइब्रेरीज पैकेजेस को मैं ऑल्टरनेटिवली यूज करूंगा, ठीक है जी। तो ये सीन है, तो ज्यादा इनमें डिफरेंस होता भी नहीं है, और इतनी इंटीग्रिटीज में आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, एनपीएम से मैं पैकेजेस को इंस्टॉल करूंगा जो मेरी एप्लीकेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे। कैपेबिलिटीज है कि ज्यादा फंक्शनलिटीज में ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे एक फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है, उसमें खाली अगर मुझे एक टेबल शो कराना है, डेटा शो कराना है, तो वो शो हो रहा है, मुझे कोई और एक्स्ट्रा पैकेज की जरूरत नहीं है, मैं रिएक्ट के थ्रू करा दूंगा नॉर्मली। उसके अलावा अगर मुझे कोई वंडर ब्यूटीफुल सी मुझे कस्टम सीएसएस लिख के मुझे कराना पड़ेगा, लेकिन मुझे टेबल के लिए भी, अगर मैं टेबल के लिए भी चाह रहा हूँ कि मुझे अच्छा काफी सारी चीजें नहीं लिखनी पड़े, बिल्ट इन कॉम्पोनेंट में यूज कर लूँ, तो मैं कोई एक डिजाइन का एक लाइब्रेरी उठा लूंगा, मुझे अच्छी से मिल जाएगी। अगर मुझे उसको एक फीचर डालना है कि वो टेबल का डेटा एक्सपोर्ट होकर एक्सेल में आ जाए, एक बटन लग जाए, अक्सर आपने देखा भी होगा, उसके लिए मैं एक अलग एक्सेल की कोई लाइब्रेरी पैकेज लेकर आऊंगा, वो मेरी कैपेबिलिटीज को बढ़ा देगा। रिएक्ट का काम तो खाली यूआई पे चीजें दिखाना है, उसके लिए हमें एग्जाम्पल के लिए हम फिर एनपीएम यूज करेंगे। तो फिर हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं पैकेज के लिए, इसी चीज की एनपीएक्स। अब एनपीएक्स क्या है, एनपीएक्स इज बेसिकली, एनपीएक्स इज है कि अगर आपको सीएलआई, बेसिकली आपको पता होना चाहिए सीएलआई क्या होता है। देखिए, नोड, एनपीएम और एनपीएक्स, जो तीन कमांड चला रहा हूँ, ये सीएलआई में मेरे पास कमांड लाइन में पास अवेलेबल हो गई है। कमांड लाइन इंटरफेस स्टैंड्स, सीएलआई स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि जो आप कमांड लाइन के ऊपर चला सकते हो कमांड, वो नोड भी है, एनपीएम भी है, एनपीएक्स के सीएलआई है, ये मेरे पास ग्लोबली इंस्टॉल हो गई है। ग्लोबल इंस्टॉल का मतलब ये है कि मैं किसी भी टर्मिनल को ओपन कर लूँ, कहीं भी जाके ओपन कर लूँ, ये मेरे पास चलेंगी चलेगी। ये होता है ग्लोबली मेरे पीसी में इंस्टॉल हो गई है, विंडोज भी होगी वहाँ पे, पीसी आपके इंस्टॉल हो जाएगी, कहीं भी कमांड को आपने ओपन कर लिया किसी फोल्डर में, ये चलेंगी चलेगी, ठीक है। तो आपने ये ग्लोबली इंस्टॉल हो गई है। अब लेकिन कुछ सीएलआईज ऐसी होती है जो टेम्परेरी आपको एक आधी बार चाहिए, बार बार नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप उसको ग्लोबली करके रख लेंगे अपने पास, अपने पीसी में वो स्पेस ले लेगा, तो वो अच्छे प्रैक्टिस नहीं है। तो उसके लिए एनपीएक्स काम होता है, एनपीएक्स हमारे पास यूजफुल रहता है। सिर्फ इतना सा काम है कि ये ऐसी सीएलआई है जो हमें वन टाइम चाहिए, तो वो ये उसको बस वन टाइम के लिए हमारे पास यूज करने दे देगा, हमारे पीसी में वो इंस्टॉल नहीं करेगा ग्लोबली, बस ये सब का सा काम, ठीक है जी। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आए, यू कैन इग्नोर दैट, ठीक है जी। सिंपली हम ये चीजें देख लेंगे, इसके बाद हम चलते हैं और डायरेक्ट रिएक्ट की तरफ जंप करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट अब रिएक्ट, अब हम इस फोल्डर में आ गए हैं। रिएक्ट बनाने के, रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए ना दो मेथड्स हैं, ठीक है, और भी मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। मेन दो मेथड्स हैं, एक तो है कि आप कोर, आप उसमें ना आप एक कोर रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें आपको रिएक्ट का पैकेज करना पड़ेगा, उसमें आपको वेब पैक करना पड़ेगा, अवेलेबल करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको नाम, अगर आप कहीं सुन रहे हैं, ये आप सेटअप कर रहे हैं, तो ये एक ऑप्शन होता है रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करने का। लेकिन इसमें कंफिग्रेशन बहुत ज़्यादा है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, जो आपको समझने पड़ेंगे। जहाँ ये कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको ये इसकी डिटेल समझ में आ जाए, आप उसको अभी रोक दें, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम एक दूसरा टूल चेन यूज करेंगे, जो कि बेसिकली दूसरा मेथड है रिएक्ट एप्लीकेशन को बनाने का, वो है क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है ना। ये भी एक सीएलआई है, उसके थ्रू हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर क्लिक करके न्यू टर्मिनल अपना ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास वीएस कोड का टर्मिनल आ गया। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे हो, कोई भी हो, उसी फोल्डर के अंदर आपने ओपन कर लेना है। पावर शेल आप यूज करते हो, कोई भी आप कमांड प्रॉम्प्ट या इस तरीके का टर्मिनल आप यूज कर रहे हैं, आप उस फोल्डर में आ जाए जहाँ आपको प्रोजेक्ट बनाना है रिएक्ट का। आप लिखेंगे npx create react app, डैश डैश डाल के आपने लिखना है npx create react app, उसके बाद आपने अपनी ऐप का नाम लिखना है, ठीक है। जो भी आप नाम लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। माई फर्स्ट ऐप, मैं इसका नाम दे रहा हूँ माई फर्स्ट ऐप, ठीक है। तो इसके बाद अब जो जो मैंने कमांड लिखी है ये, मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम भी कर दूँ, जूम इन आके आपको नजर आ जाए, ठीक है। आई होप ये विजिबल होगी आपको, अगर आप मोबाइल से भी देखें तो मैं चाहता हूँ कि वहां से भी नजर आ जाए। तो अब अपने क्या करना है जी, अब ये आपके पास ये कमांड है, उस पर आपने लिखने के बाद बस आपने एंटर कर देना है, ठीक
ठीक है जी। तो इससे क्या होगा कि ये रिएक्ट ऐप की जो सी एल आई है ये उसको इंस्टॉल करेगा, चला देगा हमारे कमांड इंटरफेस। ये रिएक्ट ऐप हमारे पास पीसी में आ जाएगी, दोबारा नहीं चलानी पड़ेगी, दोबारा ये हमारे पास पीसी में सेव नहीं होगी। इसके बाद ये हमारी प्रोजेक्ट एक बनाएगा उस एक फोल्डर के अंदर जिसका नाम होगा माई फर्स्ट ऐप, ठीक है जी। और उसके साथ साथ ये जो मैं आपको बता रहा था वेब पैक और बेबल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रिएट रिएक्ट ऐप खुद बना के खुद कंफिगर करके हमें दे देगा बस अंडर द हुड, ठीक है जी। वो चीज़ें क्या होती हैं वो एडवांस कॉन्सेप्ट से, वो उसको शुरू में अगर बच्चों को वो पढ़ाने लग जाएँ बिगिनर्स को तो वो डिफिकल्ट हो जाती है, मुश्किल देख के रिएक्ट करेंगे बहुत हुआ चीज़ है साइड में हो जाते हैं। इसलिए मैं वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं करा रहा, बस मैं आपको ये टर्मिनोलॉजीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये नाम हो और आपको पता चल जाए जहाँ ये नाम है वहाँ से आप भाग जाएंगे अभी के लिए। अभी आप पहले रिएक्ट एप्लीकेशन को सी आर ए के थ्रू, उसके लिए रिएक्ट ऐप सी आर ए, आप ये टर्म सुनेंगे, सी आर ए के थ्रू एप्लीकेशन बनाएंगे रन करेंगे, उसमें काफ़ी सारे पैकेजेस हैं। इसके अलावा भी वेब पैक बेबल के अलावा भी आपको हॉट रिलोडिंग के लिए और अक्सर अवकात काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, और ये ऑलरेडी हमें सपोर्ट कर रहा है, गेटअप की सेटअप करके देता है, तो अभी आप देखेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, इसका प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा। तो वो फिर हमारे पास जस्ट रेडी टू यूज हमें टेम्पलेट बना के देता है। तो ये मैं आपको बेसिक सच में बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमारा पैकेज भी डाउनलोड हो जाएगा ये मैं आपको थ्योरी भी कवर कर देता हूँ इतनी देर में। और थ्योरी भी देखें आपके लिए ना, अगर आप डेवलपर हैं अक्सर बात होते हैं चलो डायरेक्टली जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द कोड, दैट इज गुड, नो इश्यूज विद दैट, आई आई लाइक दैट एज वेल। कोडिंग करनी चाहिए, हैंड्स ऑन होना चाहिए, हम भी एक्चुअल कोडिंग करके ही सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन अलॉन्ग विद दैट थ्योरी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। थ्योरी भी कवर करें, और थ्योरी भी ना एक मजे की चीज है, अगर आप बिगिनर्स होते हैं ना तो आपको बिगिनर लेवल कॉन्सेप्ट्स आप जरूर सीखें जितने आपको समझ आए, मुश्किल लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं आप नहीं आपको नहीं समझ आता तो छोड़ दें, ठीक है ना। हो सकता है क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी ने रिएक्ट की है तो उसने बनाई हुई है इतना फ्रेंडली कर दी गई है कि बिगिनर्स भी सीख लें, और एडवांस यूजर्स जो होते हैं वो भी रिएक्ट पे काम कर रहे होंगे, वो भी नोट पे काम कर रहे होंगे, नोट जेएस पे अगर बैकएंड आप लगा रहे हैं आप, उनके काम करने का तरीका अलग होगा, उनकी डिटेल उतनी डिटेल लेवल पे वो काम कर रहे होते हैं, उसकी इनसाइड्स इन्स एंड आउट्स को वो जानते हैं, वो लेवल अलग है, ठीक है ना। तो वो हम उस पर नहीं जाएंगे तो अक्सर डिटेलिंग आपको नहीं समझ में आते छोड़ दें, हम ऊपर ऊपर से बात करेंगे। मैंने आपको समझा दिया कि क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है ना ये बनाती है एप्लीकेशन, तो अगर मुझे दूसरी एप्लीकेशन बनानी होगी तो मैं लिखूंगा एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप माई सेकेंड ऐप, ठीक है, या अवेस ऐप अपने नाम से बना लूंगा, या फिर उर्दू में लिखूंगा मेरी एप्लीकेशन, कुछ भी नाम रखना होगा यहाँ पे अपना नाम सर्च कर दूंगा, लेकिन शुरू में जो दो ये वर्ड्स हैं ये सेम रहेंगे, स्पेलिंग भी सेम रहेगी, मिस्टेक आ जाएगी तो एरर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एरर्स एरर्स आपके डेवलपमेंट डेवलपर्स के दोस्त होने चाहिए, ठीक है। एरर्स देख के डेवलपर्स भागते हैं डरते हैं शुरू में बिगिनर्स, ठीक है ना। अब आपने अच्छे डेवलपर्स की पहचान है कि एरर्स से वो दोस्ती करने की कोशिश करता है, आपके पास जब एरर्स आए आपने एरर्स को पढ़ना है समझना है गूगल पे डालना है और आपको सोल्यूशन आपकी नज़रों के आगे। कोई भी ऐसे आप बिगिनर लेवल पे आप होते हैं तो एरर्स आपके बहुत आएंगे, आप ओवरवेलमिंग होंगे, आप डर रहे होंगे, आपने डरना नहीं है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, आपने एरर्स को उठा के गूगल पे डालना है, मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई ऐसे कोई अनोखे एरर्स नहीं आएंगे आपको, आप कॉमन एरर्स आएंगे जो कि ऑलरेडी लोगों को आ चुके हैं, आप गूगल करेंगे आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। आप उस पर डालें, बस आपको ये अपनी स्किल बिल्ड करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, आपको स्किल बिल्ड करनी है एरर रेजोल्यूशन की, स्किल बिल्ड करनी है गूगल करने की, सोल्यूशन तक जाने की, सोल्यूशन उठा के अपने कोड में चिपकाने की, रिजॉल्व करने की, चीटिंग करने की कहना चाहें आप कह सकते हैं, ये भी अच्छी ये एक अच्छे डेवलपर की पहचान है, ये चीटिंग नहीं है, ये अच्छे डेवलपर की पहचान है कि आपने सोल्यूशन को फिगर आउट कर लिया, आप स्टैक ओवरफ्लो पे चले गए, आप किसी और वेबसाइट पे चले गए, रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में आपको सोल्यूशन मिल गया, किसी फोरम में आपको सोल्यूशन मिल गया, आपने डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन किए मैंने, या स्लैक चैनल ज्वाइन किए मैंने, डेवलपर्स की कम्युनिटी है वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ करा है, स्क्रीनशॉट लगाए हैं वहाँ से रिस्पॉन्ड आया है, उसको आपने पढ़ा है वो लगाया है, दे ऑल आर गुड प्रैक्टिसेस, ठीक है जी, दे ऑल आर ग्रेट प्रैक्टिसेस एंड यू हैव टू फॉलो देम, द मोर द बेटर, ज्यादा फॉलो करेंगे दैट विल बी ग्रेट, ठीक है जी। तो अच्छा ये पैकेज एनपीएक्स का हो चुका है, अब हम डायरेक्टली जंप कर लेते हैं, देखें अब ये जब कंप्लीट हो जाता है तो सक्सेसफुल हो गया, कोई एरर नहीं आया, मतलब सो फार सो गुड, ऑल इज गोइंग वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। अब इसके बाद अब ये देखें आपके पास भी ये कुछ फ्लू में आपके पास भी टर्मिनल पे कुछ आपको सजेस्ट करेगा कमांड्स, ठीक है। तो उसमें ये सजेस्ट कर रहा है जी
npm start की कमांड, इनसाइड द डायरेक्टरी यू कैन रन सेवरल कमांड्स। उसके साथ ये कह रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं, क्रिएटेड गिट कमिट भी बता रहा है कि गिट कमिट भी इसने बना दी है, गिट भी हमारे प्रोजेक्ट में डाल दिया है, सक्सेस क्रिएट माय फर्स्ट स्टेप एट दिस लोकेशन, इस लोकेशन पे इसने बना भी दी है, और इनसाइड डायरेक्टरी यू कैन रन सेवरल कमांड्स बता रहा है। इसके बाद आप ये कुछ कमांड चला सकते हैं, npm start चला सकते हैं, रन बिल्ड टेस्ट रन इजेक्ट, और उससे पहले और आपने अगर करना है, वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग, सजेस्ट ये करना है कि cd कर लें और npm start कर दें। cd ये होता है कि अभी मैं एक डॉक्यूमेंट पे खड़ा हूँ, इसने एक मेरे एक फोल्डर बनाया, जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम बताया था ना, उस नाम का एक फोल्डर बनाया है, वे कह रहे cd करके उस प्रोजेक्ट में चले जाओ, ठीक है ना। cd करने से ये मेरा अब उस डायरेक्टरी के अंदर चला जाता है। मैं cd लिख के fir लिख के टैब दबाता हूँ, सॉरी माई फर्स्ट, माई लिख के मैं टैब दबाता हूँ, माई फर्स्ट स्टेप आ गया, तो मैं एंटर करता हूँ, तो मैं उस फोल्डर के अंदर है, ट्यूटोरियल 1 पे था पहले देखें, यहाँ पे माई फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है जी। तो इससे क्या हुआ, अब इससे मैं फर्स्ट स्टेप में अगर मैं आ गया हूँ, अब भी मुझे बोल रहा है आप npm स्टार्ट चलाओ, उसमें जो पहली वाली कमांड हुई हमारा डेवलपमेंट सर्वर चला देता है, बाकी इन कमांड्स को अभी आप दफा करें एज अ बिगिनर, ठीक है। आप चला दें npm स्टार्ट, ठीक है जी। अब क्या होता है, अब आपने कुछ नहीं करना, एक कमांड हमारी थी npx react app my first step, दूसरी कमांड है cd करके आपने npm स्टार्ट करना है, आपकी पहली एप्लीकेशन यहाँ पे रेडी हो गई है, ये आपके सामने आपकी रिएक्ट की पहली एप्लीकेशन आ गई है, ये रिएक्ट का लोगो है, ये मूव करने वाला लोगो ने लगाई हुई इमेज मूव कर रहा है, और ये आपकी पहली लाइन है, और ये आपका एक लिंक लगा हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, कंग्रेचुलेशंस, आपने पहली एप्लीकेशन सेटअप कर ली है, नथिंग फैंसी नो रॉकेट साइंस, आपकी पहली एप्लीकेशन रेडी है, हमने कोई आधे घंटे के अंदर अपनी एप्लीकेशन रेडी कर ली है, आप भी कर सकते हैं, और इसको फॉलो कर लें आप, इसको बनाएं और इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जरूर लें, इसे सुने नहीं प्रैक्टिकल भी करें, ठीक है जी। अच्छा अब हम यहाँ पर आ गए हैं, अभी हमें बता रहा है इस पे, यानी देखें वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुली, देखें वेब पैक आ गया, ठीक है, इसको इग्नोर मारें, वेब पैक खुद ही इसने कर दिया था, दो यूआरएल हमें दे रहा है, एक लोकल का और एक ऑन नेटवर्क का, बाकी की चीज़ ये लोकल होस्ट 3000 से खुद हमारा ब्राउजर खोल के ना उसके लिए इसने चला भी दिया है, मेरे इतने सारे टैब्स खुले हैं, प्लीज इग्नोर दैट, मुझे ज़्यादातर मैं मल्टीपल टैब्स खोल लेता हूँ। तो अच्छा लोकल होस्ट 3000 पे एप्लीकेशन चल गई है, उसके बाद ये अगर मुझे ऑन योर नेटवर्क, ये दूसरा यूआरएल पे देखिए आई पी लिखी हुई है, लोकल होस्ट सबको पता है कि लोकल होस्ट मेरे इसी पीसी को टारगेट कर रहा है और पोर्ट 100 साइन हुई है, ऑन योर नेटवर्क का मतलब ये है कि अगर मैं अपने डेवलपमेंट करते वक्त मुझे अपने मल्टीपल डिवाइसेस पे इसको देखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मोबाइल पे इसका आउटपुट देखना कैसा आ रहा है, तो मोबाइल को भी मैं सेम वाईफाई नेटवर्क पे या सेम नेटवर्क पे लेकर आ जाऊंगा जिससे मेरा लैपटॉप होगा, तो उस पर मैं ये यूआरएल डालूंगा जो कि मेरे कंप्यूटर का यूआरएल है, लैपटॉप का यूआरएल है, और ट्विटर करूंगा तो ये एप्लीकेशन मेरे पास, ये एप्लीकेशन पास मोबाइल में भी ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये इसका एक एडवांटेज है। तो अच्छा अब ये आ गया हमारे पास, अच्छा जी अब देख लेते हैं जी इसका फोल्डर स्ट्रक्चर, ये पहली एप्लीकेशन है आपकी, देख लेते हैं ये बंद कहाँ से रही है, ये हमारे पास लैपटॉप फोल्डर स्ट्रक्चर आ रहा है VS Code के अंदर, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या क्या हुआ है जी, एक इसने बनाया है नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर, ठीक है, तो एक बनाया है पब्लिक का फोल्डर, एक SRC का फोल्डर, एक गिट इग्नोर की फाइल, गिट इग्नोर की फाइल को पहले डिस्कस कर लेते हैं, आपको अगर आपने गिट पे काम किया हुआ है तो आपको पता होगा गिट इग्नोर, अगर नहीं किया हुआ तो बेसिकली गिट वर्जन कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है, यानी कि फाइल्स को आपको अगर एक आपने काम कर लिया, आपने कुछ एक तरीके का वर्जन बन जाता है, आपको और दूसरा काम कर बदलता है, आपने ये काम चेंजेस इसमें अपनी ये चेंजेस किए, ठीक है ना, तो आपको वरना वरना कोड अंडू अंडू कर रहे होते हैं, कंट्रोल जेड करके वगैरह होते, तो ये अच्छा सोल्यूशन है, आप गिट को लाजमी एक्सप्लोर करें, लाजमी आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा गिट इग्नोर की फाइल, अगर कुछ फाइल्स को आपने बोलना है कि यार इसको ट्रैक नहीं करो, उसमें जो भी चेंजेस है उसको छोड़ दो, तो ये गिट इग्नोर होता है, पैकेज और जेसन की फाइल वो होती है जहाँ पे आप अपने सारे पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, पैकेजेस यानी कि वही हो गए जो मैंने आपको बताया था, आपकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं एप्लीकेशन की, ठीक है, उसमें ये डिपेंडेंसीज पैकेजेस लाइब्रेरीज तीनों को मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, ठीक है। डिपेंडेंसीज में आप पैकेजेस बता रहे होते हैं, लाइब्रेरीज बता रहे होते हैं, जो एक्स और एडिट आप ऐड करते हो आपकी कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर देते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। उसमें से हम देख लेते हैं टेस्टिंग वाली लाइब्रेरीज को छोड़ें, ठीक है, रिएक्ट की लाइब्रेरी है जो कि मेन है, रिएक्ट के लिए चाहिए चाहिए, ये मेन इसका बैकबोन है, रिएक्ट डोम की लाइब्रेरी है, रिएक्ट डोम की लाइब्रेरी बेसिकली ये करती है जो कि हमारे लिए एक एक छोटा सा काम करी होती है, हमारे कोड को उठा के एक नोड पे माइंड कर देगी, उसको हम आगे रिसर्च भी करेंगे कि इसने क्या करना होता है, ठीक है। रिएक्ट स्क्रिप्ट है जो कि बेसिकली सब रिएक्ट के सर्वर को रन करिए, वेब वाइटल से जो कि बेसिकली वेब पैक पेबल वगैरह को हैंडल करती होती है, इग्नोर दैट, इग्नोर दैट, इग्नोर ऑल, बस ये आपको पता होना चाहिए कि पैकेजेशन की फाइल है, इसमें सारे पैकेजेस के नाम होते हैं और इसमें कोई छिड़खानी, हमने कोड एडिट हमने अपने हाथ से नहीं करना होता, हम npm इंस्टॉल करके कोई पैकेज ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देगा वो, और पैकेज इंस्टॉल करके नोड मॉड्यूल के फोल्डर में डाल देगा, तो समझ में आएगा नोड का फोल्डर क्या कर रहा है, इधर जो पैकेजेस के नाम लिखे होते हैं वहाँ यहाँ पर नाम होते हैं और वर्जन होते हैं, और उनको वो एक्चुअल डाउनलोड करने के बाद नोड मॉड्यूल के अंदर उनके फोल्डर बना के डाल देता है, नोड मॉड्यूल के फोल्डर को भी हाथ हम कभी भी नहीं लगाते, कभी भी इसके अंदर जाके कोडिंग नहीं करनी,
पैकेजेसिंग के अंदर भी कोडिंग बहुत कम, भी ऐसा होगा कभी कोई नेम अगर आपने चेंज करना हो गया, वर्जन चेंज करना होगा, वरना आप नहीं छेड़ेंगे एज अ बिगिनर, आप काम कर रहे हैं पैकेजेसिंग को भी नहीं छेड़ेंगे, पैकेज लॉक को तो कभी भी नहीं छेड़ेंगे। पैकेज लॉक में ये कर रहा होता है कि वर्जन के कौन सा इसने एक्जैक्ट वर्जन डाउनलोड किया, 13.5.1 किया, 2 किया, ये किया, तो वो उसको एक्जैक्टली जो है पैकेज लॉक करता है, या आपकी गिट पे भी जानी चाहिए फाइल, ठीक है। और readme.md की फाइल है जिसमें आप बेसिकली इंस्ट्रक्शन लिख देते हो, इसने खुद बना दिया कि यार ये इसको कैसे चलाना है, कैसे रन करना है, इसको खुद बना दिया। आप अपने पास इसको ये होता है कि आप इसको ओवरराइड करके आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दो, या आपने रिप्लाई किया उसको URL दे दो, ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, या बेसिक है, या ये वो, अपने अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दें क्या क्या पैकेजेस यूज किए हैं, शो ऑफ करने के लिए, या अपने पोर्टफोलियो के लिए बना रहे हैं आप एक, तो वो लिख सकते हैं। या जैसे ये आप सिंपली एप्लीकेशन इसके सिंटेक्स से वो एक अलग कहानी हो जाएगी, उससे अलग आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। और अब हम देख लेते हैं असल काम हमारा है SRC के अंदर। पब्लिक फोल्डर के अंदर स्टैटिक चीज़ें होती हैं, इमेजेस वगैरह, आइकन्स वगैरह वो रख लेते हैं हम। फेविकॉन आपको पता है जो ब्राउजर में नज़र आ रहा होता है, यहाँ पे जो नज़र आ रहा होता है हम इसको अलग कर लेते हैं। ये जो है आपका रिएक्ट का, यहाँ पे जो नज़र आ रहा होता है ये फेविकॉन का, फेविकॉन, फेविकॉन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। अब SRC के फोल्डर के अंदर हमारे पास मेन फाइल देखें, आप हम चले आते हैं इंडेक्स और जीएस के ऊपर, ठीक है। इंडेक्स जीएस की फाइल जो है ये आपकी कहलाती है एंट्री पॉइंट, इस फाइल को हम कहते हैं एंट्री पॉइंट, सिंपल एज दैट। क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपकी एप्लीकेशन शुरू होती है, ठीक है। इसने क्या करना है, यहाँ पे एक पैकेज यूज हुआ हुआ है रिएक्ट डॉम का, जो मैंने आपको दिखाया था पैकेजेशन के अंदर। ये पैकेज ये कर रहा है भाई सिंपल सी, इसमें चीज लिखी हुई है क्रिएट रूट, इसने रूट को एलिमेंट क्रिएट किया, ठीक है जी, और उसके अंदर इसने रेंडर कर दिया ऐप को, ठीक है जी। इसने रूट डॉक्यूमेंट डेरिवेट बाय रूट लिया और उसके अंदर इसने रेंडर कर दिया एक कॉम्पोनेंट हमारा ऐप का। ऐप का कमेंट कहाँ से आ रहा है, डॉट स्लैश ऐप से, मैं से कह रहा हूँ कॉम्पोनेंट एंटर कर दिया। कॉम्पोनेंट क्या है भाई, रिएक्ट का जो रिएक्ट का जो कॉन्सेप्ट, ये सारा बेस करता है कॉम्पोनेंट्स के ऊपर। रिएक्ट में हर चीज जो है हम कॉम्पोनेंट बेस्ड होती है। अब रिएक्ट में जो भी UI में जो नजर आ रहा होता है, हम उसको एक पूरा कॉम्पोनेंट भी कह सकते हैं, एक वेब पेज को पूरा कॉम्पोनेंट कह सकते हैं, हम उसको मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी पसंद से। अब चाहे नेवबार का एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे, साइड बार का अलग बनाएंगे, फुट का अलग बना लेंगे, बॉडी के अंदर एक अलग, और बॉडी के अंदर कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट आप बना लें, फॉर्म का अलग, टेक्स्ट का अलग, आपकी मर्जी है, जितने बनाने हैं आपने बनाते जाएं, ब्रेक डाउन करते जाएं, जितने ज्यादा बनाएंगे तो अच्छा भी। हम देखेंगे आगे क्यों कि हम ज्यादा कंपोनेंट बनाने का हमें एडवांटेज क्यों मिलता है, रीयूजेबिलिटी कैसे हम फायदा उठा सकते हैं रिएक्ट का, ठीक है। अच्छा अब ये देख लेते हैं हम, ये बस जो हमारा जो पहला एंट्री पॉइंट होता है वो फाइल होती है इंडेक्स डॉट जेएस, तो जो पहला कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है ऐप डॉट जेएस, ये हमारा पहला कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट कैसा दिखता है, कैसा होता है, क्या होता है, इसमें कोई रिएक्ट की सारी बेस करती है वो आप देख लें, आपका पहला कंपोनेंट आपके सामने है। फंक्शन ऐप ये लिखा हुआ होता है इसके स्टार्ट में, ठीक है, ये आपका फंक्शन होता है, ये बेसिकली फंक्शनल कॉम्पोनेंट है, और इसके अंदर लिखी होती है रिटर्न की स्टेटमेंट, और रिटर्न के अंदर जो चीज लिखी हुई है यहाँ पे रिटर्न खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये जो चीज लिखी हुई है ये आपको सिमिलर सिमिलर देखी जानी पहचानी लग रही है, जो कि सिंटेक्स आपको मिलता हुआ लग रहा है HTML से, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका HTML लेकिन एग्जैक्टली नहीं है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आपको नजर आ रहे होंगे ये, क्योंकि जैसे आपको क्लास नेम नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लास नेम क्या होता है, आपने जो क्लास पढ़ा था ये है वही चीज, लेकिन क्योंकि ये HTML नहीं है, ये है JSX, JSX, ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन आई थिंक इसकी फुल फॉर्म है। सो ये बेसिकली XML लाइक हम इसमें स्ट्रक्चर बना देते हैं अपनी UI को डिफाइन करने के लिए, जो कि हमारे HTML से फेमिलियर होता है, तो हमें इसमें काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसमें हम JavaScript और HTML मिला के हम इसमें कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि ये कैसे हुआ हुआ है, इसमें क्या डिफरेंस आपको देखें, IMG का टैग जाना पहचाना, div का टैग जाना पहचाना, हेडर का सिमेंटिक टैग ये भी जाना पहचाना, HTML वगैरह नहीं होता। क्लास नेम नजर आ रहा है, मेरे पास ये क्लास ही होता है, लेकिन React के JSX के अंदर आपको क्लास कन्वर्ट हो जाती है क्लास नेम में, ठीक है भाई, चलो मेक सेंस, इतना समझ में आ गया, क्लास नेम समझ में आ गया, HRF आ गया, टारगेट आ गया, हेडर आ गया। SRC के अंदर लोगो ये क्या सीन है, ये ब्रैकेट क्यों डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट ये बता रहा है कि ये जो चीज है ये मेरे पास एक वेरिएबल है, सही है, ये मेरे पास एक वेरिएबल है, यहाँ यानी कि यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होनी है, एग्जैक्टली जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है, वेरिएबल नहीं है, जावा स्क्रिप्ट का एक वेरिएबल आ रहा है, तो क्या मेरे पास ऊपर से आ रहा है, इसलिए वो SRC का इसने लोगो उठा लिया हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ 2 + 4, ये मैंने लिख दी है जावा, इसमें सेव करता हूँ, और यहाँ पे मेरा जल्दी से रिलोड हो गया है, और मैं ब्राउजर पे जाके देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास नजर आ रहा है 6,
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2+4 से नजर नहीं दिखाया, इसमें 2+4 दिखाया था, मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया है, तो ये इसने मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट था, इसको रन करके हमें आउटपुट दिखा दिया 6। ठीक है जी, अब ये मेरे पास, अगर इसको मैं अभी ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, इम्पोर्ट ऐप डॉट सी एस एस, बेसिकली क्या कर रहा है ये, इधर से सी एस एस को इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है जी, ये वाली जो यहाँ पे लिखी है डॉट ऐप डॉट ऐप, यहाँ पे स्टाइलिंग लिखी हुई और यहाँ पे बोर्ड हो रही है, तो वो जो क्लास का डला हुआ है उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, लेकिन क्लास नहीं लिखना है आपने, क्लास नेम लिखना है, और ये आपके पास 2+4 आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं ये करता हूँ जी, ये करता हूँ कि अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक बता देता हूँ, रिटर्न के अंदर आपको समझ में आ गया कि आपने लिखना होता है JSX और वापस HTML लाइक हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ, आपका पहला कंपोनेंट है, अब मैं खाली हेलो वर्ल्ड अगर प्रिंट कराना है मुझे, तो मैं हेडर भी हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, सेंटर में आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि मैंने क्लास नेम वगैरह नहीं हटाई, अगर मैं से भी क्लास नेम भी हटा देता हूँ तो सेंटर में क्योंकि नहीं आनी चाहिए ना, तो सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ हेलो वर्ल्ड, फोन मुझे बुक गया, नो स्टाइलिंग, बिल्कुल सादा सॉफ्ट खुशबू वाला आपका हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आ गया। अच्छा, मुझे इसके बाद लिखना है हेलो वर्ल्ड अगेन, इसके नीचे लिखना है, मैं क्या करूँगा, मैं ये नॉर्मल एक वेब बना देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड अगेन, यहाँ पे आना शुरू हो गया भाई जी एक एरर, ठीक है, रेड होना शुरू हो गया, मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ ब्राउजर पे, तो ये फट गया है, तो इस एरर को पढ़ भी लेते हैं, मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड, सिंटेक्स एरर। ठीक है, डिड यू वांट अ JSX फ्रेगमेंट, तो बोल रहे कि यार रैप इन एन इंक्लोजिंग टैग एडजेसेंट JSX एलिमेंट्स मस्ट बी रैप इन एन इंक्लोजिंग टैग, ये बोल रहा है एडजेसेंट एलिमेंट जो है वो रैप होनी चाहिए इंक्लोजिंग टैग के अंदर, और डिड यू वांट अ JSX फ्रेगमेंट, एक फ्रेगमेंट की बात कर रहे हैं, फ्रेगमेंट क्या होता है मैं बता दूं, देखिए रिटर्न के अंदर ना अभी कितने बच्चे हैं उसके, दो बच्चे हैं, एक डेवी एक डेवी है, रिएक्ट का कंपोनेंट एक्सेप्ट इससे एक्सपेक्ट करता है कि एक ही कंपोनेंट होना चाहिए, अब यहाँ पे एक डिव बना ले, ठीक है, और उस डिव के अंदर इनपुट आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे होगा, ये डिव यहाँ पे पेरेंट है और ये क्लोज हो रहा है और ये दो उसके बच्चे हैं, अब ये एरर भी चला गया मेरे पास, दोनों से ही भी आ गए, तो चाहते हैं कि इनका पेरेंट एक होना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल डिव से मेरी एक नोड भी बन जाती है एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक और स्पेशल सिंटेक्स होता है, आप डिव हटा दें, आप खाली एम्प्टी भी लिख देंगे, फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं, वो फ्रेगमेंट का बोला था ना, डी वॉन्ट टू यूज फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट होते हैं, इससे एक डिव का कॉम्पोनेंट ही बनेगा, वो इन दो को एंटर कर देगा, तो ये दोनों प्रिंट होगा, लेकिन ये भी तो कोई फर्क नहीं आता है। सही है, अच्छा, अब ये हो गया, आपने फ्रेगमेंट देख लिया, अब आपने ये देख लिया कि नॉर्मल हम एक कोई हमें नॉर्मल HTML की तरह बनाना है, हमें रिटर्न लिखना पड़ता है और हम यहाँ पे बनाएंगे। अच्छा, अब इसके साथ साथ अगर मुझे यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल यूज करना है तो मैं लिख देता हूँ लेट नेम इक्वल्स टू रमेश, ठीक है, एंड लेट डेजिग्नेशन इक्वल टू, अब लिख दें ही यूजर, अब ये जो वेरिएबल्स हैं मेरे पास, ये जो वेरिएबल्स बनते हैं वो बनेंगे मेरे रिटर्न से ऊपर वो फंक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे शो कराना है और मुझे चीज़ें लिखनी है तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा पी, और सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं, और उसके बाद मैं लिखूंगा जी, यहाँ पे पी लिखा मैंने और अब मैं लिखता हूँ हेलो। ठीक है, और अब मुझे अपना नेम लिखना है, हेलो अवेश लिखना है, तो मैं यहीं पे ब्रैकेट ओपन करा, मैंने लिख दिया जी नेम, वो देखो ग्रे से जो है ब्लू हो गया। ठीक है, और अब मैं इसे सेव करता हूँ और आउटपुट से जाके देखता हूँ क्या है, हेलो वेस आ गया, ये मेरा वेरिएबल इसने खा लिया JSX का, और अगर मैं अब लिखता हूँ जी माय एज इज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने वेरिएबल का नाम, सेकंड, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अपने वेरिएबल का नाम जो है एज, अब मैं सेव करता हूँ, सॉरी एज तो मैंने बनाया ही नहीं है, बाय द वे मेरे पास एरर आ गया, चलें नो प्रॉब्लम, मैं इसे हटाऊंगा नहीं, मैं देखता हूँ आपको एरर पढ़ के बताता हूँ और हम देख लेते हैं क्या एरर आया, एज इज नॉट डिफाइंड, कॉमन सेंस जाके देख लेंगे एरर, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, देखें कंपाइल्ड, आप पढ़ेंगे कैसे कंपाइल विद प्रॉब्लम्स एरर ये स्टूडेंट, मैं मुझे पता था कि यार मुझे यहाँ नजर मारनी है, मेरे नेचुरली मेरे मसल्स बिल्ड हो गए ऐसा समझ लें, मुझे आदत हो गई है, मैंने ये चीज़ देखी यार ये मेरे काम की है, मैं यहाँ आ गया, आप पढ़ रहे हो ना आप फिर से ढूंढ रहे हो, आपको एक टाइम आएगा आपको चलेगा यहाँ देखना था, आखिरी लाइन भी नहीं देखनी थी। ठीक है ना, और लाइन और उसको देखें किस लाइन पर है, लाइन नंबर 20 और उसकी पोजिशन नंबर 20, ये 20:20 क्या है, लाइन नंबर तो 20 है ही, ये लाइन नंबर 20 और उसकी ये पोजिशन नंबर 20, ठीक है, यहाँ पे देखें कॉल लिखा है ना कॉल 8,
मैं देख कॉल 9, जैसे मैं लेफ्ट करता जा रहा हूँ कॉल 10 हो गया, मैं ए पे चला गया तो कॉल 13 हो गया, ऐसे जैसे यहाँ तक आया तो कॉल 21 हो गया। तो यहाँ जो ये कह रहा है कि कॉल 20 हो गया यहाँ पे, तो एज जो है ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो मैं एज की जगह पे क्या लिखना है, मुझे डेजिग्नेशन लिखना शुरू किया, मुझे सजेस्ट कर रहा है, मैं एंटर कर दूंगा, डेजिग्नेशन पे लिखा गया, सेव करके यहाँ पे आऊंगा तो माय एज इज यूट्यूबर हो गया। बाय द वे माय डेजिग्नेशन कर देता हूँ, इसे माय डेजिग्नेशन इज यूट्यूबर। सो आई थिंक दिस वाज गुड इनफ फॉर दिस लेक्चर, फॉर दिस ट्यूटोरियल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसमें वेरिएबल बनाने का और अच्छा तरीका है, हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। हम इसमें क्लास और स्टाइल्स को और डिटेल में देखेंगे, वो स्टाइल्स हम पहले लगाना सीखेंगे, फिर हम इसमें वेरिएबल्स के साथ और अच्छे तरीके से स्टेट पे काम करेंगे, और इंशाल्लाह इसको हम ग्रो करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। आपके लिए टास्क ये है कि आप इसको रिएक्ट नोड इंस्टॉल करें और एनपीएक्स से एप्लीकेशन बनाएं और इसको और उसको आप रन करें एनपीएम स्टार्ट से, और उसका आउटपुट आप देखें और आपको चीज़ें नजर आनी चाहिए, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जी, अच्छा पब्लिक डायरेक्टरी भी देख लें, इंडेक्स और एचटीएमएल, ये यहाँ पे एक सिर्फ एक डिवाइडेड से उसको रूट लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली ये एक एलिमेंट है जो कि जो हमने यहाँ पे इसमें देखा था इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, एसएससी के अंदर, जो वो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई डी रूट कर रहा था, तो बेसिकली वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से ही मैं दोनों ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के इसी एलिमेंट को उठाता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है रूट को, और यहाँ पे वो क्या बाइंड करा देता है, ऐप का रेंडर करा देता है, ऐप को रेंडर कराना होता है, रिएक्ट में एक वर्ड टर्मिनोलॉजी होती है रेंडर की, वो रेंडर करा देता है, और मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, तो मेरे पास ये बॉडी के अंदर देखें कुछ भी नहीं है, पूरा कंपोनेंट खाली है, सिर्फ रूट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये जो हमारा रिएक्ट के अंदर जो भी हमने भरा था वो बेसिकली इस हमारे पास कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट के थ्रू होता है, ये हमारे पास सिर्फ ये एम्प्टी कंपोनेंट होता है, और इसके अंदर जो चीज भरनी होती है वो कौन भर रहा है, वो रिएक्ट को जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके अंदर बाद में भरा जा रहा है, शुरू में एचटीएमएल में कुछ भी नहीं होता, सही है जी। तो दिस इज इट, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिएक्ट, एंड दिस इज हाउ यू सेट अप योर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑन रिएक्ट, एंड हाउ यू रन रिएक्ट, एंड वी ऑल्सो लर्न के वाई डू वी यूज रिएक्ट इन वाई रिएक्ट इज बेटर देन एंगुलर एंड व्यू, एंड वाई शुड बी लर्न रिएक्ट। सो आई होप इंशाल्लाह हम आगे ट्यूटोरियल में देखेंगे, पूरी एप्लीकेशन रिएक्ट बनाना सीखेंगे और उसके प्रोजेक्ट भी करेंगे, और प्रोजेक्ट बनाना लाजमी जरूरी है, आप कोडिंग करना लाजमी जरूरी है, और एक प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है, आपके इंटर्नशिप जॉब परस्पेक्टिव जो भी आपके गोल्स हैं, और ये हाई और बहुत ही हॉट टेक्नोलॉजी है, आप इसको लाजमी सीखें, ठीक है। एरर आए, मुश्किल हो, आसान हो, जो भी सीखना है आपने, दैट्स इट, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।